मध्य प्रदेश में तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना वायरस का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भोपाल में कोरोना का आंकड़ा 3000 को पार कर चुका है। 116 लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके टेंशन अभी भी कम नहीं हुआ है। राजधानी का इब्राहिमगंज इलाका अब नया हॉटस्पॉट बन गया है, जिसकी तालाबंदी की तैयारी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। जहांगीराबाद के बाद इब्राहिमगंज टेंशन, अनलॉक 2 में बना कोरोना हॉटस्पॉट। 10 दिनों में कोरोना संक्रमण के 65 केस, एक हफ्ते लॉकडाउन होगा इलाका। तस्वीरों में जो इलाका आप देख रहे हैं वो भोपाल का इब्राहिमगंज है, जो इन दिनों कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ बीते 10 दिन में 65 कोरोना के मामले मिल चुके हैं और टोटल यहाँ का आंकड़ा 80 पहुँच गया है। करीब 950 परिवार के यहाँ 4000 लोग निवास करते हैं। यहाँ कोरोना संक्रमण के फैलने का मुख्य कारण लोगों की लापरवाही बताई जा रही है। जैसे जैसे गतिविधियां शुरू हुई वैसे वैसे यहाँ के बाजार की दुकानें खुलने लगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव और मास्क ना पहनने के कारण यहाँ संक्रमण बढ़ता रहा। रही सही कसर यहाँ की तंग गलियों ने पूरी कर दी, जिसके चलते अब यहाँ प्रशासन को एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। विशेष क्षेत्र में या किसी जगह हम ये पाते हैं कि वहाँ नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को लॉकडाउन किया जा सकता है। इसी के तहत इब्राहिमगंज के एक लिमिटेड एरिया को हमारे द्वारा अगले सप्ताह के लिए लॉकडाउन किया गया है। कई ग्रुप्स में कई जगह ये भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि पूरे भोपाल को लॉकडाउन किया गया है, जो कि पूरी तरह गलत है। पूरे भोपाल को एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन करने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया। जैसे 80 पेशेंट निकल चुके हैं, तो अब वहाँ पर संक्रमण के लिए लॉकडाउन तो किया गया, और कुछ क्या सैंपलिंग बढ़ाई जाएगी, और कुछ क्या तरीके वहाँ पर? बाकी चीज़ें हमारे द्वारा पहले से की जा रही हैं। घर घर जाके हम लोग सैंपलिंग कर ही रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जहाँ हमें कोई भी केसेस मिलते हैं उसके केस में हम आइसोलेशन की कार्रवाई भी कर रहे हैं। इब्राहिमगंज क्षेत्र में 12 जुलाई सुबह 5 बजे से 19 जुलाई रविवार रात 10 बजे तक क्षेत्र की सीमाएं सील रहेंगी। किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल आपातकाल को छोड़कर दुकानें और संस्थान बंद रहेंगे। बैरिकेटिंग कर क्षेत्र की सीमाओं को बंद रखा जाएगा। इस खतरे के बीच लोग अपील कर रहे हैं कि अब नियमों का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। और जांचों में वृद्धि हो, बड़े जांचें, सैंपल स्क्रीनिंग सब चीज़ें हों, जिससे कि राहत मिले और यहाँ की जनता भी हर चीज़ों के लिए तैयार है, और इस महामारी को रोकने के लिए जो भी जरूरी चीज़ें वो होना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए प्रशासन घर घर राशन दूध सब्जी बेचने की व्यवस्था करेगी। तो साफ यही है कि तस्वीर जरूर बदली है, इलाके जरूर बदले हैं, लेकिन संक्रमण राजधानी भोपाल में लगातार फैलता जा रहा है। यदि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और जो नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो इब्राहिमगंज एक उदाहरण है। आने वाले समय में राजधानी भोपाल के और भी इलाके जो हैं इसी तरीके से हॉटस्पॉट बन सकते हैं। कैमरा पर्सन कमलेश यादव के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।